स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सेट का सिलेबस, है ना, जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि टीचिंग के लिए होता है ना, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स के लिए। इसमें आज हम कॉमर्स जो सिलेबस है हमारा, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसका हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है सेम ही है आपका जो 2022 में जो आपका सिलेबस था सेट का, उसी के जैसे ही है, सेम टू सेम। इसमें टोटल आपकी 10 यूनिट है। 10 यूनिट में जो आपकी पहली यूनिट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरी है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ है बिजनेस फाइनेंस, फिफ्थ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मॉडल्स, सिक्स्थ है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेवन्थ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एट्थ है मार्केटिंग मैनेजमेंट, नाइन्थ है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड टेंथ इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लान। यदि हम डिटेल में यूनिट्स को डिस्कस करें तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम इकोनॉमिक है ना एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट का रोल, लीगल एनवायरनमेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड ड्राइवर मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। इसके अलावा इसी यूनिट में है हमारा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ FDI, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्रीज, ट्रेंड ऑफ FDI क्या है, इंडिया FDI की पॉलिसी क्या है, BOP के बारे में हम पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसमें ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्शन इफेक्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूरोपियन यूनियन, आशियान, सार्क एंड नाफ्टा, इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक यूनिट जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और UNCTAD पड़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव WTO, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, GATS, TRIPS, TRIS। ये आपकी यूनिट वन का पार्ट था। यूनिट टू यदि आप देखें तो यूनिट टू है आपकी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है और पोस्टुलेट्स हैं वो पढ़ना है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ना है जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिसमें इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। इसके अलावा होल्डिंग कंपनीज अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड JIT। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग, इन्फ्लेशन ऑडिट अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, इसके अलावा ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, रीसेंट ट्रेंड इन ऑडिट, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट। ये हमारा यूनिट टू का पार्ट था। यूनिट थ्री में हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम मीनिंग स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी मेजरमेंट, रिलेशनशिप AR एंड MR, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंटरफेरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसी में हम फिर इसी यूनिट में, थर्ड यूनिट में, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कॉस्ट, प्राइस डिटरमिनेशन इन द डिफरेंट मार्केट, प्राइस परफेक्ट, कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में हम प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फोर में हमारा बिजनेस फाइनेंस रहेगा, जिसमें स्कोप एंड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क, हेजिंग टेक्निक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यूरो करेंसी, GDR, ADR एंड इंटरनेशनल एवरेज, इसमें मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। यूनिट फाइव में हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मॉडल, जिसमें हम सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन टू वेरिएबल, प्रॉफिटेबिलिटी, अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च डाटा है ना, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग एस्टिमेशन, इसके अलावा आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना,
और इसके बाद है आपकी नेक्स्ट यूनिट 6 जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, रोल HRM है ना, रिक्रूटमेंट सेलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्किंग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट है पर्सनैलिटी परसेप्शन है ना, यूनिट 6 में जो हमारा है पर्सनैलिटी परसेप्शन। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। 7th यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमें पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमारा टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, RRB, फॉरेन एक्सचेंज है ना, कॉपरेटिव बैंक, RBI वगैरह, क्या रोल है RBI का, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, NPA मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DFI जिसको हम बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा इंश्योरेंस में टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन। यूनिट 8 में हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चैनल्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजी, सेगमेंट, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। इसके अलावा प्रोडक्ट डिसीजन में हमें कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजन के बारे में पढ़ना हमें। इसके अलावा प्रमोशन डिसीजन, किस तरीके से कोई जो प्रोडक्ट है उसका हम प्रमोशन कर सकते हैं, तो उसमें रोल ऑफ प्रमोशन मार्केटिंग में क्या है, प्रमोशन मेथड, एडवर्टाइजिंग है जिसमें पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। यूनिट 9 में हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी, हमें पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, इसके अलावा RTI एक्ट 2005, फिर इसके अलावा GST हमारा, और यूनिट 10 है आपकी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लान, जिसमें हमें इनकम टैक्स के बारे में इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, अवॉइडेंस मैकेनिज्म, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ TDS एक्ट। तो ये हमारी टोटल लगभग 10 यूनिट्स थी, जिनमें हमें कोर्स कंप्लीट करना है सेट के लिए, MP सेट के लिए, और प्रोबेबली इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर, नवंबर दिसंबर में है पॉसिबल, ठीक है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है इसका। अभी हमारे पास लगभग 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, और हम इस MP सेट में जो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इस कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए सीक्वेंस में आपके वीडियो लेके आएंगे यूनिट के वाइज। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, और हमें हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें तो हमें मोटिवेट कर देना।